नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। देखा जाए यहाँ पर तो सचिन पायलट के खिलाफ जो खड़े हैं नेता, उनकी कमी नहीं है। सचिन पायलट को सीएम बनना है, ये बात सब लोग अब अच्छे से जान गए हैं। शायद ही कोई होगा जिसे मालूम नहीं होगा कि पायलट को सीएम बनना है, लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो पायलट के विरोध में लगातार यहाँ पर विधायक उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पायलट खेमे के एक नेता सोलंकी जो विधायक है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है और उन्होंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर अगर पार्टी को जीतना है, पार्टी को रिपीट करना है, तो सबको एक साथ होना पड़ेगा, वरना पार्टी की हार पूरी तरीके से निश्चित मानी जाएगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पायलट की बगावत को बार बार याद किया जाता है, और अब तो दूसरा पॉइंट मिल गया पार्टी को कि पायलट ने अनशन किया पार्टी के विरोध में, ये भी पॉइंट मिल गया। और गहलोत इन्हीं दो से तीन पॉइंटों पर खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर उन्होंने वसुंधरा राजे की भी तारीफ कर दी, लेकिन अब यहाँ पर विधायकों की कुछ तादाद की बात की जा रही है। 13 विधायक 19 विधायक, एक तरफ 19 विधायक है जो गहलोत के खिलाफ खड़े हैं, एक तरफ 13 विधायक है जो यहाँ पर पायलट के खिलाफ खड़े हैं, और 13 विधायकों से ज़्यादा वो 81 विधायक भी हैं जो पायलट के खिलाफ है, यानी कि पायलट के खिलाफ ही ज़्यादा विधायक हैं यहाँ पर। अब देखा जाए यहाँ पर तो सचिन पायलट को लगातार यही माना जा रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि एक्शन उन पर भले ही ना लिया जा रहा हो, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी नहीं दी जा रही है यहाँ पर। अब साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पहलवानों के प्रदर्शन पर जिस तरीके से पायलट ने समर्थन किया, उसके यहाँ पर तारीफ ज़रूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अब पायलट को पार्टी से दरकिनार करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि पायलट खुद ही पार्टी से धीरे धीरे करके साइड हो जाए, या फिर पायलट को हम ठंडे बस्ते में डाल दें या उनके मुद्दों को डाल दें। इस तरीके की लगातार खबरें सामने आ रही है। आगे आपको बता दूं कि विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने दावा किया है कि कुछ नेता चाहते हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ, कि पायलट को जल्दी दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने से राज्य में कांग्रेस की वापसी नामुमकिन ही नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर उनके समर्थक नाराज हुए, गुर्जर समाज नाराज हुआ, तो यहाँ पर वापस से सत्ता में आना कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसका फायदा पूरी तरीके से बीजेपी को मिलता नजर आएगा और कहीं ना कहीं फिर आम आदमी पार्टी को भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब पब्लिक समय आने पर जवाब देगी, ये बड़ी बात यहाँ पर कही गई कि यहाँ पर पब्लिक दिखाएगी। अगर पायलट को दरकिनार कर दिया गया तो पब्लिक अपना रुख अपनाती हुई नजर आएगी, यहाँ पर पार्टी को यानी कांग्रेस को ना जिता के किसी और पार्टी को जिता देगी, क्योंकि जनता नाराज हो जाएगी। जनता लगातार कहती है हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, सचिन पायलट को मौका नहीं दिया तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखा जाए 2020 में सोलंकी ने तब भी पायलट का साथ दिया था और अभी भी वो लगातार पायलट का साथ दे रहे, लेकिन उन 13 विधायकों का क्या जो लगातार पायलट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ 13 विधायक नहीं, यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं, डोटासरा है और भी बहुत सारे ऐसे नेता, लेकिन यहाँ पर यही देखने की आखिरकार पायलट के समर्थन में कितने लोग आते हैं और गहलोत के खिलाफ, क्योंकि अभी पायलट के खिलाफ ही ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। तो इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार पायलट को दरकिनार कर दिया जाता है तो क्या यहाँ पर पार्टी का जीतना बहुत मुश्किल होगा। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।